वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज खटकेसर में और यहाँ पर बहुत शानदार एक कैनल है। मैं यहाँ की सारी डिटेल्स बतलाऊँगा डॉग से रिलेटेड, और इसके बाद यहीं पर की एक गोट फार्म की भी जो सेल के लिए अवेलेबल है वो गोट्स भी बतलाऊँगा आप लोगों को। बहुत शानदार कैनल है, तो यहाँ के जो ओनर है उनसे बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अरफात है। सैयद अरफात है जी। और आपके कैनल का नाम क्या है? जॉय कैनल। जॉय कैनल। और कौन से ब्रीड्स है अभी अवेलेबल आपके पास? अपन ऑल काइंड ऑफ ब्रीड्स मिलते हैं अपने पास। ट्रेन डॉग्स मिलते हैं, होमली ब्रीड्स मिलते हैं, गार्डिंग क्या से होना रहता लोगों को, फार्म हाउस के डॉग्स भी मिल जाते हैं अपन कन। थोड़े लोगों को ब्रीडिंग स्टॉक होना रहता, ब्रीडिंग के डॉग्स भी मिल जाते हैं। ऑल काइंड ऑफ ब्रीड्स अपन कन मिल जाते, यानी पपीज से लेके एडल्ट तक सभी मिल जाएंगे जी। सब मिल जाते हैं जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, चलिए फर्स्ट में इसी ब्रीड से स्टार्ट करेंगे। कौन सी ब्रीड है? रॉटविलर है। फीमेल है? अच्छा, 2 ईयर्स ओल्ड है। क्या नाम है? रेटा। रेटा है। और ये 2 टाइम्स लीटर डाले जो फीमेल है। अच्छा, और अभी ये प्रेग्नेंट है या खाली है? अभी खाली है। अभी नहीं, खाली है अभी। अभी आती है, नियर टू ईट है। अच्छा, तो ये भी सेल के लिए है आपके पास? जी हां, सेल के लिए। क्या प्राइस है इसका? 45 तक सोचे आपको भी आके बात करना चाह रहे तो। अच्छा, एक्सपेक्टेशन 45 का है आपका जी, और नेगोशिएबल भी कर देंगे इसके अंदर। चलिए इसको अंदर रख दीजिए आप, नेक्स्ट में फिर दूसरे भी देखेंगे। और जी बहुत हेल्दी है, देखिए प्योर क्वालिटी के अंदर। और भी बहुत सारी ब्रीड्स हैं यहाँ पर, वो सब बतलाऊंगा मैं आप लोगों को। ट्रेन डॉग्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट में आप देखिए फिर यहाँ पर एक और ये भी फीमेल है जी भाई। ये भी फीमेल है, इसका नाम बार्बी है। बार्बी है इसका नाम। और अच्छा, 2 ईयर्स ओल्ड है ये भी, और नियर टू हीट में है ये भी। जी, और फैमिलीज में पालने के लिए ले सकते हैं ये डॉग्स? फैमिली के लिए चाहिए डॉग। प्योरिटी कैसे पहचानेंगे इसकी? क्या बोले? प्योरिटी कैसे पहचानेंगे इसकी? इसके नोजल से जी, इसके लेंथ से, इसका चेस्ट, ये मार्किंग रहता है कलर उसका जी। मार्किंग भी आती है, ब्रॉड चेस्ट रहता है इसका, पंच फेस जी। और इसका क्या प्राइस है? क्या आपको 40,000 से कहा जाती है? 40,000 में ये भी। अच्छा, ये भी नेगोशिएबल है। चलिए इसके बाद और दूसरे वाले नेक्स्ट में फिर एक रॉटविलर फीमेल है भाई के पास यहाँ पर। और इसका चेस्ट वगैरह देखिए आप, क्वालिटी देखिए, बहुत शानदार। क्या नाम है इसका? एली। एली, ये भी 2 ईयर्स के करीब रहती है फीमेल भी। अच्छा, ये भी 2 ईयर्स ओल्ड है जी। और इसका क्या प्राइस है? इसका भी आपको 45,000 तक आ जाता है, ये भी नेगोशिएबल है आपका। अच्छा, ये भी 45,000 में, और ये भी नेगोशिएबल है। ये पूरी तरीके से ट्रेंड है, 3 डॉग भी पूरी तरीके से ट्रेंड है, फैमिली फ्रेंडली है पूरे। अच्छा, और इसके पेपर्स वगैरह भी आते हैं? जी पेपर भी आते हैं, अगर आप किसी को पेपर होना रहता, थोड़े को पेपर नहीं होना रहता, आपको पेपर के साथ भी मिल जाता। चलिए, यानी पेपर भी अवेलेबल करवा देंगे आप जी। चलिए इसके बाद और दूसरे ब्रीड्स। और नेक्स्ट में ये एक है आपके पास, ये कौन सा ब्रीड? फ्रेंच बुलडॉग बोलते हैं। फ्रेंच बुलडॉग है। ऑलरेडी इसके बच्चे हुए हैं अपन कन। अच्छा, इसके बच्चे हैं आपके पास, यानी पपीज भी इसके अवेलेबल है जी। और पपीज भी सेल के लिए है आपके पास? जी हाँ, 25 डेज के ओल्ड पपीज है। अच्छा, इसकी एज क्या है अभी? इसकी 2 ईयर्स है इसकी। 2 ईयर्स ओल्ड है जी। चलिए इसके जो पपीज है वो बतलाइए आप। और इसको अगर चाहिए किसी को तो क्या प्राइस रहेगा? आप कांटेक्ट करें तो मैं बोल देता हूं, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी 25 डेज के हैं। हाँ, तो अभी इसको सेल नहीं करेंगे क्वालिटी के ऊपर जी। जी, बहुत ही शानदार है, देखिए फ्रेंच बुलडॉग फीमेल है, बहुत ही शानदार पंच के अंदर। देखिए सभी डॉग्स ट्रेंड है यहाँ पर बिल्कुल। ये पपीज इसी के, और ये कितने डेज ओल्ड है? 25 डेज ओल्ड है अभी। 25 डेज ओल्ड है, और ये भी फ्रेंच बुलडॉग की ब्रीड है ना जी, यानी क्रॉस वगैरह कुछ भी नहीं, प्योर क्रॉस नहीं, प्योर है, पेपर के साथ आपको मिल जाएगी। अच्छा, पेपर के साथ है अवेलेबल ये। ये उसके मदर है, फादर के भी फोटोज वीडियोस आपको मिल जाते हैं। अच्छा, इसके फादर के भी फोटोज वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी इसका रेट डिसाइड नहीं करिए आप? नहीं, अभी नहीं, क्वालिटी के ऊपर रहता प्राइस। अभी 45 डेज तक हम लोग निकालते हैं, फिर मिल जाता, आप प्री ऑर्डर भी कर दे सकते हैं। अच्छा, चलिए मैं डायरेक्टली स्क्रीन पर भी नंबर रखूंगा, आप लोग डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? सैयद अदनान। तो आप भी यहीं पर हैं, तो आप दोनों भाई मिलके टेक केयर कर रहे हैं यहाँ पर।
बहुत ही शानदार। चलिए और भी बहुत सारे ब्रीड्स है आपके पास, वो भी देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट में ये एक बहुत शानदार एक ब्रीड है आपके पास, मिनी पॉम विद पेपर है अपन के पास। ये 15 मंथ्स ओल्ड है अभी। अच्छा 15 मंथ्स ओल्ड है, मेल है या फीमेल है? मेल है। ये मेल है, स्टड सर्विस भी अवेलेबल है। अच्छा स्टड सर्विस भी अवेलेबल है। और ये वाली फीमेल है इसके साथ। ये कितने मंथ्स ओल्ड है? ये 18 मंथ्स टू ईयर्स। तो अभी इसके पपीज भी है आपके पास? अभी नहीं, अभी आने वाले हैं अभी पपीज। अच्छा अभी आने वाले हैं। और क्या प्राइस में है ये? ये भी स्टड मेल है अभी, सेल के लिए नहीं है अभी। अच्छा स्टड मेल है, सेल के लिए नहीं है। और इसकी फीमेल? फीमेल है। अच्छा तो ये है सेल के लिए? नहीं ये भी सेल के नहीं है अभी, इसके ब्रीडिंग के वजह से। अच्छा इसके जब पपीज आएंगे जब सेल करेंगे। विद पेपर में है। चलिए और नीचे छोड़िए आप इसको। बहुत शानदार ये एक पेड़ है, दिखे आप। नेक्स्ट में फिर एक और ब्रीड है आपके पास, ये कौन सी है? ये बीगल बोलते हैं इसे। बीगल। ये ओरियो है इसका नाम। ये 2 इयर्स का मेल है। अच्छा स्टार्ट सर्विस अवेलेबल विद पेपर के साथ है। फीमेल है। अच्छा ये फीमेल के लिए इसे पॉक्स मिल जाते हैं आपको। और एज क्या है इन लोगों की? ये 2 इयर्स के करीब है, वो भी 2 इयर्स के करीब है। अच्छा दोनों 2 इयर्स के करीब में। और दोनों के पपीज भी है अवेलेबल? अभी अवेलेबल हो जाते हैं आपको। अच्छा और क्या एवरेज रेट रहेगा इनका? एवरेज इसका 25,000 से 35,000 तक मिल जाता है आपको। 25,000 से 35,000 में पपी मिल जाता है। और ये भी फैमिली डॉग है जी। चलिए बहुत शानदार। और इसके बाद में नेक्स्ट और डाल दो ना। बहुत शानदार। नेक्स्ट में ये एक है आपके पास, और ये कौन सी ब्रीड है? ये गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड है। गोल्डन रिट्रीवर है और बिल्कुल गोल्डन कलर में। क्या एज है इसके भी? ये 15 मंथ्स से 18 मंथ्स रहता है। 15 मंथ्स टू 18 मंथ्स। मेल है ना ये? जी ये भी इसका स्टार्ट सर्विस से वो मिल जाता है विद पेपर के साथ मेल है। अच्छा ये भी स्टार्ट सर्विस में अवेलेबल है और पेपर भी है इसके जी। और इसके पपीज भी अवेलेबल हो जाते हैं अपन। अच्छा पपीज भी अवेलेबल है इसके। और क्या एज है बोले आप इसकी? 2 इयर्स। 2 इयर्स। चलिए और नेक्स्ट में आपके पास लैब भी है यहाँ पर, और भी बहुत सारे हैं, सभी देखते रहेंगे कंटिन्यूसली। दूसरा वाला ले। ये कौन सी ब्रीड है? जर्मन शेपर्ड है। जर्मन शेपर्ड है और प्योर क्वालिटी में जी। मेल है या फीमेल है? मेल है। इसका भी शर्ट सर्विस अपन को मिल जाता है अपन को। अच्छा इसका भी शर्ट सर्विस है आपके पास। और जर्मन शेपर्ड के पपीज है आपके पास? जी अभी नहीं है, आप किसको भी होना था अपन मिल जाते हैं अपन पपीज। अच्छा यानी बुकिंग करवा लिए तो आप अवेलेबल करवा देंगे। इसकी क्या एज है अभी? ये भी 2 इयर्स के करीब रहता है अपन यंग डॉग्स ही चाहिए पूरे। अच्छा मैक्सिमम पूरे यंग डॉग्स से आपके पास 2 इयर्स के आसपास ही है ये भी। हेल्दी और एक्टिव है अपन का, बस काटने वाले उसे कुछ भी नहीं है। इसमें आपको ट्रेंड भी मिल जाता है अपन को, नॉर्मली मिल जाते हैं घर में रखने को, थोड़े लोगों को होना रहे, थोड़े फार्म हाउस पे रखने थोड़े लोगों को होना रहता है, ट्रेंड जैसा गार्डिंग के वास्ते होना रहता है, थोड़े जन खाली ब्रीडिंग के वास्ते पूछते हैं डॉग्स, लोगों के वास्ते भी मिल जाते हैं। अगर किसी के पास डॉग्स है अनकंडीशन के अंदर, अगर वैसे डॉग्स को सेल करना चाह रहे तो आप परचेस करेंगे? जरूर परचेस कर लेते हैं। आप कैसा भी कंडीशन रहो अपन को कॉल कर दिए तो अपन, यानी आप सेल के साथ परचेसिंग भी करेंगे फिर उसको रेडी करके फिर सेल करेंगे। बहुत शानदार, ये देखिए बहुत एक्टिव है प्योर जर्मन शेपर्ड में। चलिए जो इंटरेस्टेड हो आप लोग टाइटल के नंबर पे कॉल कर लीजिए। इसी तरह और भी बहुत सारे वीडियोस बताऊंगा मैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।